श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन सरूपां के मामले में एक नवा मोड़ आया। पिछले लंबे समय तो धरने पर बैठी सत्कार कमेटी नूं सिख सद्भावना दल वालों समर्थन दिता गया अते ऐलान किया गया कि जब तक पुलिस प्रशासन वालों दोषियों खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती तद तक उन्हों का धरना जारी रहेगा। सिख सद्भावना के मुखी भाई बलदेव सिंह वड़ाला और होर सिख जथेबंदियों ने अकाल तख्त साहब से अरदास करके अनिश्चित काल लई SGPC के बाहर धरना लगा दिता गया। सिख जथेबंदियों का कहना है कि यह धरना कोई नवा नहीं बल्कि उस ही धरने का एक हिस्सा है और यह धरना उस वेले तक जारी रहेगा जब तक पुलिस वालों 328 पावन स्वरूप के दोषियों खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती। SGPC की टास्क फोर्स वालों धरने दे रहे सिखों पर हमला करने वाले दोषियों के नाम जनतक नहीं करते तद तक यह धरना जारी रहेगा। नाल ही बादल उत्ते निशाना साधदे हुए कहा कि बादल को दो निजी फोर्सा हैं, एक टास्क फोर्स से दूजी अणपछाती फोर्स है। भाई साहब जी अज इलैक्शन की गल नहीं चल रही, अज 328 सरूपां की गल चल रही है। इस मुद्दे ते केंद्रित रहो, ये ते जिन्ना चिर वाहिगुरु नूं पौंदा जी, जिन्ना चिर सरकारां दे कन्न नहीं खुल जांदे और वो इंसाफ दिंदियां नहीं है सिख संगतां नूं, असीं इंसाफ मंग नहीं रहे, लैण लई बैठे हाँ ते लैण लई होका दे रहे हाँ कि कुर्सियां ते बह के राज करन नूं हक समझण वाले हो, अपना फर्ज पछाणो। गुरु नानक साहब जी ने बाबर नू जाबर कह के उन्हूं उहदी औकात दा चेता कराया सी, असीं वी उन्हां नू ये चेता कराउने आ भाई, अपने फर्ज पछाणो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज समुची मानवता दे रहबर ने, कल्ले सेखी नहीं, समुची मानवता गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नू प्यार करती है, अपना इष्ट मानती है, इतों तक कि उन्हां दा भरोसा है। कुछ लोग बाणी दियां गल्लां करके कहिंदे होणगे बाणी रब नाल गल्लां कराउंदी है, पर वो कहिंदे ने बाणी पढ़न वाले बाणी ही रब जांदे ने, ये उन्हां दियां भावनावां कतल होईयां ने। इस लई ये मोर्चा उन्ना चिर ये होका मोर्चे दे उसे जिहड़ा उन्हां सिखां ने लाया सी उहदी हमायत, उहनूं लामबंद करदिआं उहदी कमांड नूं सांभदिआं उहनां दी सेहतजाबी लई अज असीं उह मैदान विच आ गए हां जी। हुण सिख नीति लियावांगे, ये राजनीतिक भजावांगे, पंथ रुशनावांगे ते नरैणू भजावांगे। दस दिओ मीडिया राहीं, इहनां तुहाडे वी कैमरे तोड़े सी, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਰਸ ਮਹੰਤ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਬੌੜ ਗਏ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ खुला सद्दा दिता होया। और एक गल विशेष करके इस पंथक होके दे नां ते समुची संगत नूं अपील करदा है, कोई एक रुपया देंदा लेंदा फड़िया गया उहनूं उत्थे कुट के साडे को आ जाओ, जां सानूं आके दस दिओ साडे नां ते ना ते कोई पैसा इकट्ठा करे, ना कोई सानू टका देण दी कोशिश करे, असीं मरदे ही उदों आ जदों सानू खैरात पैणी शुरू हो जांदी। आज जिन्ने सिंह बैठे आ सारे अपना दसवंध दिहाड़ी ला के खर्चन वाले ने जी, तो बेनती करदा है। और इत्थे किसी सियासी बंदे नू बोलण नहीं दिता जाना, गैर अमृतधारी नहीं बोल सकता, सियासी तकरीर नहीं कीती जा सकती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर दा होका जिहड़ा 2016-22 मार्च आनंदपुर साहिब दी धरती तो शुरू किया गया सी, उसे दे संबंध विच ही तकरीर कीती जा सकती है। इदों बाद किसी बुलारे नूं दूजी गल नहीं करन दित्ती जाऊगी। ये सिख नीति दा एक वक्खरा ही नमूना पेश कीता जाऊ कि राजनीति दा विंग धार्मिकता वेखे होणगे पर इत्थे सिख नीति दा विंग सिख नीति च वेख्या जाऊ। कोर्ट दसूगा ना जो FIR दर्ज होगी। मोर्चा लग्या सी सिख जथेबंदियां ने उन्ना साथ दित्ता जिन्ना बंदा सी, कुछ हुंदे सी उत्थे, इहदा की कहना चाहुंदे हो? नहीं जी, इत्थे साथ सारिआं ने दित्ता, उत्थे कुछ दे ए तौखले जरूर सन
कि गुरु रामदास महाराज जी के बूहे अगे जां ओ मंजी साहब का जिहड़ा बिल्कुल गेट आ उत्थे सिख संगतां कोई जदों आपां बोलदे आ ना कई शब्द साढ़े को एवें निकल जांदे ने जिहड़े नहीं बोलण योग हुंदे। इसलिए गुरमत नूं ध्यान च रखदे आ असीं बेशक उत्थे हाजरी नहीं भरी पर असी उन्हां गल्लां दा समर्थन करदे सी और अज उसे ही वाग डोर नूं फिर लै के तुरदे हाँ। मतां ये ना सोच लियो कि असी वड फट दिते ने ते हुण उन्हां दा असी भोग पा दिता। वो कहिंदे सी कि साढ़े पर जिहड़े दोषी तुसी भाई जिहड़े हैगे ने डॉक्टर ईश्वर सिंह की रिपोर्ट के जो दोषी करार दिए गए उन्होंने परचा दर्ज कर दो उठन तैयार हाँ थोड़ी यह वीर जी एफ आई आर होने तो बाद रिपोर्ट जाऊगी और जेड़े जेड़े दोषी होणगे 2016 तो लैके 2020 तक वो सारे दे सारे वेच आउणगे जी। वो चार कि क्यों तो 2012 तो चलन दिया जी कोई नहीं फिर कोर्ट 12 तो फड़ लो जी कोर्ट तो कोर्ट ही है जी ठीक है। हाँ वाहिगुरु भावना दल के समुचे सेवादारा वालों गुरद्वारा अकाल बुंगा बाबा फौजा सिंह जी ते उन्हां दे समुचे सेवादारां वल्लों सिख जथेबंदियां सिख संगतां वल्लों समुचे संसार नूं गुरफतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सिख सद्भावना दल वल्लों अकाल बुंगा दे समुचे सेवादारां वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे 328 स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया के संबंध में उस घटना नू लै के अरदास कीती गई। उस अरदास दे विच किसानी की अरदास महामारी तो निजात की अरदास बंदी सिंघां की रिहाई लई अरदास गुरु पंथ की चढ़दी कला की अरदास गुरद्वारा डांग मार साहब मंगू मठ ते गुरद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब की बहाली की अरदास कीती गई और उहदे नाल नाल जिहड़े सिंह पिछले दिन इन्हां ने नरैणू महंत बन के कुटे मारे वड्डे बीबियां बजुर्गां बच्चियां नूं बख्शिया नहीं गया तिन्हां दी सेहत जाबी की अरदास और उदों अगे असी पंथक होका देण की अरदास करके आए हाँ। यह वो पंथक होका है अज असी पंथक होका दिंदे होए पुलिस प्रशासन नूं होका दिंदे आ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 328 स्वरूप ये बड़ा वड्डा एक क्राइम है अपराध है इहदे ते FIR दर्ज करे अजे तक कोई कार्रवाई नहीं कीती गई। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे काबज नरैणू महंत दी सोच दे धारनी सिख विरोधी ताकतां दीआं कठ पुतलियां बादल कोड़मां उन्हां दोषियां दी सूची जारी करे और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सरूप किथे ने ये पंथ नूं दसे ते जिन्ना चिर ये चीज़ां हो नहीं जांदियां पंथक होका देण वाला सिख सद्भावना दल गुरद्वारा अकाल बुंगा बाबा फौजा सिंह जी सेवादार सारे सिख संगतां ते सिख जथेबंदियां उन्ना चेर इस थां तो अपने घर नहीं जाणगियां उन्ना चेर दा डट के असीं इहदा मुकाबला करांगे होका देंगे इंसाफ लै के उठांगे। ये मतां सोच लैण कि असीं उन्ना सिंघां दी कुट मार करके ते हुण मामला रफा दफा कर दिता है। उन्हां ही वीरां वल्लों जिहड़ी अरदास कीती गई सी सिख सद्भावना दल कोई वक्खरा मोर्चा नहीं ला रहा उसे दी ही हमायत करदे आं। अज असीं अरदास करके इस जगह ते बैठ गए हाँ। पुलिस प्रशासन जिस दिन उन्हां ते कार्रवाई करके FIR करके साढ़े हाथ च दे दो उस दिन असीं प्रेस दे सामने दोबारा होवांगे अरदास दोबारा करांगे। उन्हां चिर सिख सद्भावना दल और अकाल बुंगा दे समुचे सेवादार बाबा फौजा सिंह जी होने सब ते सिख संगतां सारियां नूं असीं सारियां वल्लों ये फैसला लिया गया जी उन्हां चिर असीं इस जगह तो उठ के किधरे नहीं जावांगे असीं इहदे इनसाफ लई बैठे हाँ और लै के ही छड्डांगे आर जावांगे जां पार जावांगे असीं उह नहीं जो हार जावांगे। भाई साहब जी जिवें बादल परिवार नूं श्रोमणी कमेटी तों हटाउण लई वख-वख ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੰਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਲੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।